नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि कैसे अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों की धमकी दी है और रूस भारत के बचाव में खड़ा हो गया है। उधर रूस ने जापान का भी इलाज कर दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। एक बार फिर से भारत का नाम लेकर रूस ने अमेरिका को तगड़ा सबक सिखा दिया है। हाथी और कुत्ते का वो मशहूर कहावत तो आप सब ने सुनी ही होगी। इसी कहावत के माध्यम से रूस ने अमेरिका की खटिया खड़ी कर दी है। रूस के उपराजदूत रोमन बाबुश्किन, इनका नाम ध्यान से याद रखिएगा, आगे भी यूज होगा। रूस के उपराजदूत रोमन बाबुश्किन ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते बहुत पुराने और ऐतिहासिक हैं और पश्चिमी देशों की आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या शानदार जवाब दिया है उन्होंने। लेकिन अब उनका लाजवाब डायलॉग भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा, कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं डरते। आप सभी समझ गए होंगे कि उन्होंने किसे कुत्ता और किसे हाथी कहा है। अगर समझ गए तो हिंट जरा नीचे कमेंट में बताएं। बाबुश्किन ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब पश्चिमी देश आपकी आलोचना करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। उन्होंने पीएम मोदी की रूस यात्रा पर पश्चिमी देशों की आलोचना को गलत बताया। हमने आपको हाल ही में बताया था कि कैसे पीएम मोदी की रूस यात्रा के बाद अमेरिका ने भारत के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है और बताया है कि कश्मीर और मणिपुर में ट्रैवल ना करें। इसके बाद भारत में इन्वेस्टमेंट और टूरिस्ट की संख्या दोनों में कमी आ सकती है। लेकिन रूस की तरफ से साफ किया जा रहा है कि भारत को डरने की कोई जरूरत नहीं है। रूस के उपराजदूत ने कहा कि औपनिवेशिक समय बीत चुका है और भारत पर दबाव बनाना सही नहीं है। रूस और भारत के संबंध स्थिर और महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों मेरे अनुसार अमेरिका को लगता है कि आज भी भारत अंग्रेजों का गुलाम है। लेकिन अंग्रेजों द्वारा 45 ट्रिलियन लूट कर ले जाने के बावजूद आज भारत फिर से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। ये अमेरिका और अंग्रेजों के गाल पर तमाचा है। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने हाल ही में कहा कि उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि भारत और रूस के सैन्य और प्रौद्योगिकी संबंध गहरे हो रहे हैं। मैं अमेरिका से पूछना चाहता हूं कि आप हमारे विदेश नीति में टांग क्यों घुसाते हैं। आपसे पूछकर हम अपने विदेशी रिश्ते को ठोस और मजबूत क्यों करें। रूस का मानना है कि पश्चिमी देश भारत की बड़ी आबादी को धोखा नहीं दे सकते। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अमेरिका ने भारतीय बैंकों को कौन सी बड़ी धमकी दी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों अमेरिका ने भारतीय बैंकों को चेताया है कि वे रूसी सैन्य उद्यमों के साथ कारोबार ना करें। आप देख रहे हैं ना दोस्तों कैसे अमेरिका भारत और रूस के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अमेरिकी उप वित्त मंत्री वैली एडेमो ने भारतीय बैंक एसोसिएशन को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बताया कि रूस अपनी सेना के लिए मशीनों और सेमीकंडक्टरों का आयात कर रहा है और इसके लिए विदेशी वित्तीय संस्थानों की मदद ले रहा है। ये अमेरिका की खुलेआम धमकी है जिसके सामने बड़े बड़े देश झुक चुके हैं। लेकिन अभी तक भारत सर उठाकर खड़ा है। दिसंबर में राष्ट्रपति जो बाइडन ने उन विदेशी वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था जो रूसी सैन्य उद्यमों के साथ व्यापार कर रहे हैं। भारत के सामने बेहद विकट स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि हम हथियारों के मामले में अपने दोस्त रूस की मदद नहीं कर पा रहे हैं जो हर पल भारत की मदद के लिए सबसे आगे खड़ा रहता है। अमेरिकी उप वित्त मंत्री एडेमो ने लिखा कि अमेरिका भारत के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत करना चाहता है। पिछले 10 साल में दोनों देशों के बीच व्यापार 110% बढ़ा है। ठीक है भाई साहब, भारत आपके साथ व्यापार करने को तैयार है, लेकिन आप हमारे और रूस के बीच में परेशानी क्यों क्रिएट कर रहे हो? हमारी 60 साल पुरानी दोस्ती को क्यों बिगाड़ना चाहते हो? उन्होंने भारतीय बैंकों से 30 दिन में ये बताने को कहा कि वे अमेरिकी आदेश और उसके प्रभावों के बारे में क्या कदम उठा रहे हैं। उनके इस दादागिरी भरे स्टेटमेंट को देखकर आप सब समझ सकते हैं कि अमेरिका किस दबंगई पर उतर आया है। अमेरिका सीधे सीधे भारत के साथ रिश्ते खराब करना चाहता है क्योंकि वो रूस और भारत की दोस्ती तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भारतीय मार्केट में वो अपना हथियार बेचना चाहता है, इसलिए भारत को लगातार धमकी पर धमकी दे रहा है ताकि भारत रूस के हथियार लेना बंद करे और अमेरिकी हथियार लेना शुरू करें। अमेरिका अपने इस प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत बिजनेस चमकाना चाहता है जबकि भारत अपना एक बेहद करीबी मित्र रूस को खो देगा जो भारत के लिए कई बार दुनिया से टकराया है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या फिर UNSC का अखाड़ा। भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव है लेकिन भारत ने अब तक इस दबाव के सामने झुकने से इनकार किया है। पीएम मोदी ने इस महीने रूस यात्रा के दौरान वहां निर्यात बढ़ाने पर चर्चा की थी जिसे देखते हुए अमेरिका भड़क गया है। उसे डर है कि कहीं भारत रूस को हथियार सप्लाई ना शुरू कर दे। अमेरिका की धमकी अभी रुकने वाली नहीं है।
धमकी का यह सिलसिला 5 नवंबर तक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तक जारी रहेगा। कुछ समय पहले आप सभी को याद होगा, जापान ने भारतीय कंपनियों को निशाना बनाया था और रूस की मदद करने पर प्रतिबंध ठोक दिए थे, लेकिन अब रूस ने भी जापान से बदला लेना शुरू कर दिया है। रूस और जापान के बीच तनाव बढ़ गया है। रूस ने टोयोटा के चेयरमैन अकियो टोयोटा समेत 12 हाई प्रोफाइल जापानी कारोबारियों पर अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम जापान द्वारा उठाए गए हालिया फैसलों के जवाब में उठाया गया है। रूस ने अपने इस प्रतिबंध में जापान के कई बड़े बड़े लोगों को टारगेट किया है। इस प्रतिबंधित सूची में टोयोटा के चेयरमैन अकियो टोयोडा, राकुटेन के प्रमुख हिरोशी मिकितानी और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के अध्यक्ष अकिहिको तनाका शामिल हैं। जापान ने यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए 7 देशों के समूह G7 के साथ गठबंधन किया है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और खराब हो गए हैं। जापान यूक्रेन का बड़ा सहयोगी बनकर उभरा है, जो रूस को नागवार गुजरा है। जापान ने भारत को भी टारगेट किया था, इस कारण भी रूस नाराज है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि निर्णय जापान द्वारा हमारे देश पर लगाए गए प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया में लिया गया है। टोक्यो ने इस सूची का कड़ा विरोध किया है, लेकिन रूस ने इसे प्रकाशित कर दिया है। पहले भी शांति संधि वार्ता निलंबित कर दी गई थी और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा सहित अन्य सांसदों पर प्रवेश प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि रूस ने नहीं बताया कि सूची में इन्हीं लोगों को क्यों चुना गया और मित्सुबिशी, होंडा और सोनी जैसी प्रमुख फर्मों के चीफ को क्यों शामिल नहीं किया गया। ये तनावपूर्ण माहौल जापान और रूस के संबंधों में एक और बाधा बनकर उभरा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तनाव केवल द्विपक्षीय नहीं है, बल्कि व्यापक वैश्विक राजनीति और शक्ति संघर्ष का हिस्सा है। रूस के इस बड़े कदम से जापानी कंपनियों के लिए रूस में व्यापार करना मुश्किल हो सकता है, जिससे उनके व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जापान ने रूस को भड़काकर अच्छा नहीं किया है, क्योंकि अब रूस अपने संबंध को चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ बेहतर करेगा, जो जापान के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। साथ ही अगर तनाव बढ़ता है तो ये एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को प्रभावित कर सकता है और नई चुनौतियों को जन्म दे सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।